मेरे को नहीं पता था, मेरे को पहले जब ये काफ़ी पहले क्वेश्चन किसी ने पूछा था, पता नहीं कभी जॉब करता था 2000 में, कभी किसी ने पूछा था कि मैं अपना ये नीचे जो थोड़ा सा स्टबन फैट है वो कैसे कम होगा, तो उसको मतलब यार पढ़े लिखे जनरेशन है आजकल की, थोड़ा सा गूगल गूगल कर लो और कुछ नहीं, तो क्योंकि गूगल कर नहीं तो आजकल सब है ही, तो थोड़ा सा कर सकते हो उसमें, देखो वहाँ जाके पता करो। स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर किसी की बॉडी की अपनी अपनी एक वो होती है, क्या होते हैं जेनेटिकली वो प्रिपेयर्ड होती है कि उसको कहाँ से पहले फैट लेना है, कहाँ से बाद में लेना है उसको फैट। तो ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो कि एक ही जगह से फैट कम कर लूँ, उसके उलट क्या है कि लोग फैट कम करने के लिए जैसे साइड ओब्लिक से मुझे फैट कम करना है तो साइड बेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। अब साइड बेंडिंग करने से हुआ क्या, मैं वैसे भी इतनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, अब ये साइड ओब्लिक का मसल है मेरा, ये बात सबको पता है, अगर मैं हाइपरट्रॉफी के लिए वर्कआउट करता हूँ तो मैं रेपिटेशन मारता हूँ। साइड बेंडिंग में आप क्या करते हो, आप रेपिटेशन मारते हो वेट लेके, रेपिटेशन मारते हो तो क्या होता है मसल का साइज बढ़ता है, ठीक है। अब ये मसल है, इसके ऊपर ये फैट का लेयर है, अब ये है, अब मैं करता हूँ साइड बेंडिंग, उससे क्या होता है ये मसल का साइज बढ़ गया, फैट का लेयर तो कैसे कैसे, क्योंकि फैट जाएगा जो एक्स्ट्रा कैलरीज है वो जाएंगी कैसे, जब उनको बर्न करूँगा किसी तरीके से, या फिर कैलरी डेफिशिएंट वो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मसल की एक्सरसाइज, तो मसल का साइज बढ़ा हुआ, यहाँ से ये बढ़ा हुआ, साइड ओब्लिक जो मसल है वो और बढ़ा देता है, फिर उसको डब हैंडल जैसे बोलते हैं ना ऐसे वो आ जाता है। तो स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ है नहीं, अब जहाँ भी आप एब्स के लिए आप करोगे वर्कआउट क्या होगा, एब्स का साइज तो बढ़ता जाएगा, अंदर अंदर ऊपर का जो लेयर है फैट का वो वैसा का वैसे ही रहता है, तो उससे क्या होगा वो बड़ा दिखने लगता है। तो लेकिन थोड़े देर के लिए लोगों को फील आती है कि हाँ उनको एब्स फील होते हैं, मसल फील होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से फैट बर्न हो रहा है, ठीक है। तो फैट बर्न होता है, स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, कैलोरी डेफिशिएंट पे जाओ और अपना वर्कआउट करो, और वर्कआउट भी आपको ये जो सर्किट ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग कई मायनों में बेटर है उससे जो आपका रनिंग वगैरह से, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जब आप करते हैं तो आपका ईपॉक जो है, ईपॉक बोलते हैं एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन, वो बढ़ जाता है। रिसर्च में ये तो देखा है कि 48 आवर्स तक वो हाई रहता है, आप रनिंग कर रहे हो, आपने रनिंग की कैलरीज बर्न की 200 कैलरीज बर्न की, बस वापस आए घर पे 2-3 आपने रोटी खाई, वो आपका कैलरीज वापस आपने इंटेक कर दी और मेटाबॉलिज्म आपको कोई बूस्टअप नहीं हुआ। हालांकि वैसे मेटाबॉलिज्म में बता दूं कि ऐसा कोई बूस्टअप करने का तरीका नहीं होता, लेकिन आपका ईपॉक जो है वो बढ़ जाता है वेट ट्रेनिंग से, यानी कि आप जब रेस्ट के टाइम पे होते हैं वेट ट्रेनिंग करने के बाद तब भी आप कैलरीज बर्न कर रहे होते हैं, रनिंग के साथ ऐसा नहीं।